गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर एट एन एंगल। इसके पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन होती है प्लेन मिरर के द्वारा, विभिन्न प्रकार से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे। यहाँ हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसी भी प्लेन मिरर की जो किसी भी एंगल पर रखा हुआ है। जैसे दो मिरर यदि हैं किसी भी एंगल पर रखेंगे और कोई ऑब्जेक्ट का देखते हैं उसमें कितना इमेज फॉर्म हो सकता है। तो ऐसे जनरली तुम लोग देखा होगा यदि दो मिरर पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट रूम में हम लोग रखे हैं, जैसे सैलून में देखते हैं, ब्यूटी पार्लर में देखते हैं, बड़े बड़े कहता है कि हम लोग शोरूम में जाते हैं, तो अपोजिट वाल में कहता है कि बहुत सारे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। वहां हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा कहता है कि इमेज तुम्हें एक साथ दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होती है कि एक मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, पुनः वहां से रिफ्लेक्शन होकर नेक्स्ट मिरर पर पड़ती है, फिर इसका कहता है कि वह जो सेकंड मिरर जो बनी थी उस पर जो इमेज आया था वो नेक्स्ट के लिए वो पुनः कहता है कि ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारे कहता है कि इमेज बनते हैं इस प्रकार की तरह, लेकिन ये इमेज का फॉर्मेशन जो होती है ऑब्जेक्ट एक ही है, एक रिफ्लेक्शन हो गया वहां दूसरे के लिए फिर ऑब्जेक्ट बन गया, फिर तीसरे के लिए भी करता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारा रिफ्लेक्टेड होकर बहुत सारे इमेज का फॉर्मेशन करती है जिससे हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी करते हैं। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग करते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं। अब एक पैरेलल के थे, अब इसी प्रकार से भिन्न भिन्न एंगल पर भी हम लोग इसे प्लेस करेंगे। 30 डिग्री का है, 45 हो सकती है, 60 डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकती है। इसी प्रकार से दो मिरर को हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं तो देखा जाता है कि कितना इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसे तुम्हारे बुक में जो दिया हुआ है ये एक्टिविटी नंबर जो 5 है, इनमें दो मिरर जो प्लेस की गई है एक दूसरे के 90 डिग्री पर बनी हुई, इसके फ्रंट में करता है कि एक हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं तो फर्स्ट ये जो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट मिरर में जो इमेज बना वो रिफ्लेक्ट होकर सेकंड पर पड़ा और नेक्स्ट में भी करता है कि एक ऑब्जेक्ट का बन रहा है। इस प्रकार से यहां हम लोग तीन इमेज तुम्हें दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार से तब तक होता रहता है रिफ्लेक्शन, तब जब तक रिफ्लेक्शन होते रहेगी तब तक इमेज का फॉर्मेशन होते रहेगा। अब जब रिफ्लेक्शन उसका अनादर से करता है होना बंद हो जाती है तब पुनः इमेज का फॉर्मेशन रुक जाती है। इस प्रकार से देखते हैं इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ द इमेज कितने हो सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 360 / θ - 1। ये कितने इमेज बनेंगे तो यहाँ पर क्या है छोटा क्या है एंगल देखकर सारा है। ये एंगल हो सकता है 30 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है। अब सपोज करते हैं 30 डिग्री का हो जाएगा तो 360 / θ कर देंगे, -1 कर देंगे तो कट जाएगा, कैंसिल 0 से 0 कैंसिल कर जाएंगे, कितना बचेगा 36/3 दैट मीन्स 12 में से एक घटा कितना बचेगा 11। इस प्रकार से यदि दो मिरर का तय 30 डिग्री पर एंगल पर प्लेस किए गए हैं तो इसके द्वारा कितने इमेज का फॉर्मेशन हुआ 11। इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट एंगल्स पर कहता है कि मिरर को हम प्लेस करके हम लोग एंगल को नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 90 डिग्री पर 3 बनेगा, 60 डिग्री पर 5 बनेगा, 30 डिग्री पर 11 बनेगी। और यदि दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं या एक ही स्ट्रीट एक ही रो में कहता है कि रखी गई एक ही लाइन पर यदि रखी गई है तब इस आधार पर यहाँ पर 0 यानी उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा
जीरो डिग्री की होगी। इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इमेज फॉर्म हो सकता है। तीसरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट पार्ट है कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप क्या है? कैलिडियोस्कोप बता एक प्रकार का टॉय है। इस टॉय के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल फॉर्मिंग द मल्टीपल इमेज बाय द मिरर्स। इस कैलिडियोस्कोप में भी इस प्रकार से थ्री इसमें प्लेन मिरर जो लेते हैं एक दूसरे के 60 डिग्री पर बने होते हैं। 60 डिग्री पर एक दूसरे को हम लोग प्लेस करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। इसे एक हम लोग सिलेंड्रिकल करता है कि इसको बॉक्स में एक कार्डबोर्ड में हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं ताकि थ्री तृतीयों तीनों मिरर जो हैं 60 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड है। उसके अंदर जो हम लोग क्या करते हैं, जो बैंगल्स तो तुमने देखा होगा, इस डिफरेंट कलर्स के बैंगल्स को उसमें हम डाल देते हैं, इस प्रकार से उससे अपना करता है कि सेलो टेप से हम लोग गति कर देते हैं। फिर इसी आधार पर करता है कि हम लोग देखते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होती है। आप विभिन्न प्रकार के अट्रैक्टिव उनको डिजाइन देखने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कैलिडियोस्कोप। दैट मीन्स कैलिडियोस्कोप के द्वारा एक प्रकार का टॉय है जिसके अंतर्गत हम ब्यूटीफुल पैटर्न को हम लोग मल्टीपल इमेज के आधार पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है यूजेज ऑफ द प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में करते हैं, जहां हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं, पर डे हम लोग पता है कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार से ब्यूटी पार्लर में होती है, सैलून में जो लगी होती है, सैलून में लगी होती है, फ्रंट में हम लोग बैठे हुए पीछे का भी पूरे का पार्ट को यानी अपनी इमेज को हम लोग आगे फ्रंट में हम लोग देख सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन दिस ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग इसको डोर गेट में भी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं डोर गेट में या शूटिंग ऑफ द फिल्म में मेटल शीट पर हम लोग इस सनलाइट को हम लोग रिफ्लेक्ट करा के लाते हैं, यहां भी प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है प्लेन मिरर के द्वारा हम लोग सोलर कुकर में भी इस्तेमाल करते हैं। इस सोलर कुकर में जब सनलाइट टाइप मिरर पर पड़ती है, इस सारे कहता है कि रे को एक प्रकार के इंसिडेंट कराकर इस सोलर कुकर पर कहता है कि इंसिडेंट कराती है, जिस कारण से सूरज को कहता है उसमें टेम्परेचर बढ़ती है और कोई भी आर्टिकल जो हम लोग कुकिंग फूड है डालते हैं हमारा जल्द तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है कि पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप क्या है? पेरियोस्कोप भी इसी प्रकार के हम लोग एक प्रकार का डिवाइसेस है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सबमेरिन अंडर द सी में सेलर कैन सी द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। अब युद्ध क्षेत्र में कोई जो कहता है पहाड़ी के दूसरे साइड में होती है, इस प्रकार का ये जेट टाइप का यह बना होता है जिसमें कहता है कि इसमें भी मिरर प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऊपर का इमेज को हम लोग नीचे करके देख सकते हैं या नीचे की इमेज को हम लोग ऊपर के करके देख सकते थे। इस प्रकार से एक इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा हमारा समाप्त होता है। आईसी के साथ एक चैप्टर तुम्हारा फिनिश। नेक्स्ट, थैंक यू।